नमस्कार, तो ये कितने पुरानी मतलब कितने साल पुरानी यहाँ पर किताबें रखी गई हैं? हमारे पास तो ऐसी बुक्स हैं जो आउट ऑफ प्रिंट हो गई हैं। पहले मैं बता दूं कि हमारा ये बुक शॉप जो है वो 1956 से चल रहा है, जब मध्य प्रदेश का जो राजधानी बना था उसी साल हमने ये बुक शॉप चालू करा था। और उस टाइम हम इंग्लिश बुक रखा करते थे, तो भोपाल की पब्लिक देखने आया करती थी कि कौन सा बुक शॉप खुला हुआ है। तो और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं हमारे पास आध्यात्मिक बुक्स अच्छा कलेक्शन है, आयुर्वेद का अच्छा कलेक्शन है, इंग्लिश बुक्स के फिक्शन नॉन फिक्शन हम रखते ही हैं जी। तो ये किताब की जो दुकान है लयाल बुक शॉप, ये कितने साल पुरानी है और कब ये खुली थी? लगभग मैं कह रहा हूँ ना कि ये 1956 का एस्टेब्लिश है, तो आज हम समझते हैं कि 67 साल तो हो गए, 68 साल हो चुके हैं। भोपाल का जब कैपिटल हुआ था ये, तो उस टाइम पर तीन भोपाल में चीज़ें हुई थी। एक लयाल बुक डिपो खुला था, एक GMC खुला था उस टाइम पे, और एक भोपाल का भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो BHEL के नाम से प्रसिद्ध है, वो एक साथ ये हुई थी तीन जी। तो यहाँ पर आउट ऑफ पब्लिश बुक्स भी रखी हैं, तो यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी किताबें हैं? कई बुक्स हैं, आयुर्वेद में बहुत बड़ा कलेक्शन है हमारे पास, कुछ ज्योतिष में इतना बड़ा कलेक्शन है, जो पब्लिश नहीं होती हैं, आउट ऑफ प्रिंट हो गई हैं, वो हम बुक्स हमारे पास रखी हुई हैं। संस्कृत में है बुक्स को, और कुछ तो ऐसी कंडीशंस में है कि अब जो हम पन्ने भी उनके यदि हम पेजेस यदि पलटते हैं तो टूटने की कगार में है ऐसा भी जी। तो जैसे ये बुक डिपो जो है ये कहाँ पे है? यहाँ भोपाल में मोती मस्जिद के पास है। मोती मस्जिद के पास, यहाँ पे आपने जैसा बताया कि बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आई हैं बुक के लिए, तो उनके बारे में? जावेद अख्तर साहब तो कंटिन्यू आते रहते हैं, और जब वो भोपाल में ही रहते थे तो इस बुक शॉप में रेगुलर आते थे। बशीर बाद साहब हमारे यहाँ आते रहते थे, आजकल तो उनकी तबीयत खराब है, और निदा फाजली साहब आए थे एक बार। सबसे खास बात यह है कि हमारे यहाँ पर राजनीतिक लोग बहुत आते हैं, क्योंकि हम लोग बुक्स ऐसी रखते हैं, पॉलिटिक्स की बुक्स बहुत रखते हैं, और उमा भारती जी हमारी रेगुलर कस्टमर हैं, वो हमेशा आती रहती हैं और बहुत अच्छा कलेक्शन खरीद के लेके जाती हैं। और कई मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पर आए हैं, बुक्स खरीदी हैं उन्होंने, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी जो मुख्यमंत्री थे माननीय, वो आए थे और उन्होंने एक शब्द बोला था कि मेरे को मुख्यमंत्री बनाने में लयाल बुक डिपो का बहुत बड़ा हाथ है। तो हमने पूछा कैसे, तो उन्होंने बताया कि उस वक्त IAS का एग्ज़ाम देने के लिए मैं आपके यहाँ आया था और आपने मुझे बहुत सहयोग दिया था, एक किताब फ्री में दी थी पढ़ने के लिए, मैं उस बुक्स को पढ़ा और हिंदुस्तान की 8वीं रैंक का कलेक्टर हुआ, और आज मैं इसी वजह से आया हूँ कि लयाल बुक डिपो हमेशा चलने दें, कृपया से कभी बंद ना करें, और जब भी मेरे पास समय होगा मैं आपका आया करूँगा। इत्तेफाक से उनका इंतकाल हो चुका। यहाँ पर एक बार बहुत पहले यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस था स्टेट गवर्नमेंट के, जितने भी हर स्टेट के मुख्यमंत्री आए हुए थे, तो किसी मुख्यमंत्री साहब ने बोला होगा कि उनको बुक्स चाहिए, तो वो इधर आए थे, तो उनके साथ में तीन मुख्यमंत्री और आ गए थे। बहुत पुरानी बात है, मैं समझता हूँ भोपाल में सबसे बड़ा यहाँ पर उस वक्त एम्बेसडर चला करती थी, और बहुत सारी कम से कम 25-30 एम्बेसडर खड़ी थी हमारे बुक्स के बाहर, और कई विधायक थे उस टाइम पर उनके साथ, और कई मंत्री लोग थे जी। तो यहाँ पर कई राज्यपाल हमारे यहाँ आ चुके हैं, भोपाल के पीछे एक यहाँ रहते थे हमारी दुकान के पास, उनको जब राज्यपाल मनोनीत किया गया था उसके पहले वो मेरे यहाँ बुक्स लेने आए थे, जिनके साथ मैंने सेल्फी ली जी। तो यहाँ पर किन किन प्रकार की किताबें मिल जाएंगी? मेरे यहाँ इंजीनियरिंग की बुक्स बहुत रखते हैं, मेडिकल बुक्स का सबसे बड़ा कलेक्शन है, जिसमें मेडिकल में जितनी ब्रांचेज हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपी की हो, डेंटल की हो, आयुर्वेद की हो, होम्योपैथी हो, MBBS की हो, हर प्रकार की रखते हैं। सबसे ज़्यादा कलेक्शन हमारे यहाँ आयुर्वेद का है, और ज्योतिष की बुक्स का है, अध्यात्म का बहुत बड़ा कलेक्शन है, हेल्थ का बहुत बड़ा कलेक्शन है, फिक्शन नॉन फिक्शन नॉवेल्स सभी प्रकार की, जर्नल बुक्स, कॉफी टेबल बुक्स, हर प्रकार की बुक्स मिलती हैं। तभी हमारा आज स्तंभ है ये लयाल बुक डिपो, मध्य प्रदेश की एक भोपाल की राजधानी का एक मोनूमेंट की तरह है, लोग इसको आके देखते हैं, खरीदते हैं बुक्स, अच्छा लगता है उनको जी। तो इस बुक डिपो का इतिहास क्या रहा है? 56 से चालू हुआ था, उस वक्त भोपाल का पहला बुक शॉप था जो अंग्रेजी बुक्स रखता था, और आज आपके सामने हम देखते हैं आपकी, हमारी ये दो फ्लोर में हमारे जो बुक शॉप है, और यहाँ सभी प्रकार की बुक शॉप, सभी प्रकार के लोग आते हैं और बुक्स परचेज करते हैं, और यहाँ पर मतलब बुक बस परचेज कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर रेंट पर भी लेकर जा सकते हैं? क्योंकि रेंट पे बुक्स नहीं मिलती हैं, बुक शॉप है ये, तो वहाँ पर परचेज करना पड़ता है। आसपास जितनी लाइब्रेरी वहाँ हमारी बुक जाती हैं, और हम समय समय पे हम बुक डोनेट भी करते हैं लाइब्रेरी में, ताकि लोग वहाँ से पढ़ सकें। अभी एक कुछ समय पहले की बात है, हमारे मोती मस्जिद के पास ही रहते हैं, मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया है,
तो हमने उनसे वैसे ही उन्हें बातचीत चल रही थी, उसने बताया कि आज मेरी उम्र 70 साल है और जब मैं 10 साल का था तब मेरे अब्बू जान यहाँ लेके आया करते थे, मुझे तरह तरह की बुक्स पढ़वाया करते थे। आज मेरे अब्बू की देन कह लें और लाइल गुडो का साथ कह लें कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ लाइल गुडो की वजह से ही। आज मेरे को 60 साल हो गए इस बुक शॉप में आते हुए, बहुत अच्छा लगता है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।